हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। आज गुड़िया हैं, नागपंचमी है, हम लोग गुड़िया कूटते हैं, मतलब लड़के लोग कूटते हैं, लड़कियां डालती हैं। मेरे बचपन में तो बहुत ही कुछ होता था, अभी बताएंगे बाद में। तू आया था सावन का सामान लेके, अभी जा रहा है वापस घर, और इनका मन नहीं कर रहा है वापस जाने का, मेरी वजह से नहीं, बउआ की वजह से। चलो बाय बाय। तो छोटू लाया था सावन का सामान, और गुड़ियों का त्योहार भी है, गुड़िया कूटी जाती है हमारे यहाँ यूपी में, काफी जगह ऐसा होता है गुड़िया कूटी जाती है, और दादी ने गुड़िया बना के रख भी ली है, तो अभी दिखाएंगे। और ये देखो मेरे बाबू के लिए हमने मंगाए हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे लड़की। ये नाइट सूट है इनका, सेम हमेशा बड़ा मंगाएंगे, अब मिलेगा नहीं, हम मंगा लेंगे अपने लिए। हाँ, फिर मैचिंग करेंगे। और ये दो जोड़ी एक साथ ही आ गई, क्यों नाइट सूट होगा? ये इसे घर में पहनने के लिए नहीं, कपड़े नाइट सूट तो बढ़िया है, जबकि हमने 3 से 6 महीने का मंगाया है। छोटे है, छोटे है ना, कितना बड़ा जितना पहने है, छोटा है। उसने 3 स्टार्टिंग का दे दिया, 6 नहीं लगाया। हाँ, ये भी खोलो जरा, ये भी सेम ही है साइज, अब आई बिल्कुल नहीं है। और अब हम मम्मी से पूछेंगे कि खाना क्या बनेगा। मम्मी क्या खाना बनेगा? 9 बज गया मम्मी, 9 बज गया, खाना क्या बनेगा? सब्जी कुछ नहीं है भाई, ला रहे हूँ मतलब अभी तक डिग्गी में है कुछ नहीं सब्जी। अच्छा, हाँ मम्मी ने कहा है देख लो क्या रखा है, तो उसी हिसाब से बनाओ, बाकी ये मंगाई गई है सब्जी, ऐसा कुछ तो है नहीं बनाने लायक। हाँ, कौन है? आयुष, टूटा दे दे, ये टूट तो नहीं सकता है, फट सकता है, फाड़ दे मोना, ये टूटेगा नहीं। अभी खाना बनने में तो टाइम है, तो चलो कुछ हम लोग बात करते हैं। हमसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने अपने बेटी का शेड्यूल सेट कैसे किया। तो शेड्यूल सेट करने में कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे जैसे आप रहते हो वैसे ही बच्चे का शेड्यूल हो जाता है। जैसे कि आप जितने बजे उसे उठा दोगे, 3-4 दिन उठा दिया, तो वही उसका आने वाले दिनों में शेड्यूल जो है सेट हो जाएगा। जैसे कि हम उठते हैं 9 बजे, और जैसे कि नहा धो लिए, जैसे हम उठते हैं 9 बजे, और अविशा को उठा दिया हमने 10 बजे, और यही सेम चीज़ पिछले अगले 3 दिन के लिए किया, तो आगे के लिए उसका यही शेड्यूल हो जाएगा, वो 10 बजे उठने लगेगी। और रात में क्या होता है कि रात में लाइट जब बंद करते हैं ना, तो लाइट तब बंद करते हैं जब एकदम शांति हो, सब लोग सो चुके हैं, हम लोग जैसे 12 बजे तक जगते हैं, तो 12 बजे तक लाइट नहीं बंद करते। ऐसे नहीं है कि 12 बज गया तो लाइट बंद कर दो, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, एकदम रात वाला माहौल क्रिएट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सोने आते हैं, जिस टाइम हम बेड में आए हैं उस टाइम लाइट बंद की है, और जो छोटी लाइट जलाते हैं वो छोटी लाइट जल रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको लगता है कि रात हो गई, अब हमें सोना है। और बीच में जब भी वो उठती है, 2 से 3 बार उठेगी, 3 बार तो उठती है, मतलब ऐसे उसका फिक्स है कि वो 3 बार रात में उठती है, 12 बजे सोने के बाद, और 10 बजे सुबह उठेगी, तो इस बीच में 3 बार उठती है, कभी कभी 4 बार भी, तो कभी कभी 4 बार भी उठती है। तो उस टाइम पे हम ऐसे नहीं है कि वो जगी है तो उसको खेलने में बिजी कर दें या कुछ भी,
उसको सिर्फ फीड कराना है और सुला देना है। रात में कोई खेल नहीं, कोई बातें नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ फीड करो और सो जाओ। और ये नहीं करते हैं कि जब वो रो के उठे फिर उसको फीड कराए, मतलब जब वो उठी उसकी नींद खुली तुरंत हम उसको उठा लेते हैं, फीड करा देते हैं, उसके बाद फिर सुला देते हैं। ये इसी तरह से मतलब रात का पूरा चलता है, रात में रोने नहीं देते हैं। अगर एक बार रो गई तो फिर रोती रहेगी, तो फिर क्या करते हैं ना कि उसको रोने से पहले ही फीड करा देते हैं, फिर वो सो जाती है, फिर उसकी नींद खुलती है तो फिर फीड करा देते हैं। और पता कैसे चलता है, थोड़ा सा कुछ ऐसी आवाज़ निकालने लगती है तो बस उसको उठा लिया, फीड करा दिया, फिर सो गई। तो यही 3-4 बार उठती है और बस फिर सुबह हो जाती है और 10 बजे हम जला देते हैं लाइट, सारे लोग आ जाते हैं उसके आसपास, तो बस सुबह हंसती हुई उठती है एकदम अच्छी नींद पूरी करके। तो बस ऐसा ही है। और क्या, इस टाइम पे खेल रही है मम्मी के पास, मोना के पास, और दादी भी इधर ही है। चलो चलते हैं उधर। अच्छा देखो कितनी समझदारी, इनको एसी चलानी थी तो मोना से कह रही थी। अब सब चीज बताने लगी है धीरे धीरे ना दादी। आज हमें लगता 4 घंटे सोई दोपहर में, 2 बजे सोई थी, 6 बजे उठी है, 2 बजे सोई थी और 6 बजे शाम को उठी है। हम लोग ऐसा नहीं करते, क्या हुआ क्या हुआ तो, और हम लोग ऐसा नहीं करते कि दिन में सो रही है तो रात में नहीं सोएगी तो उसको सोने ना दे, जब जितना टाइम वो सोना चाहती है उतना टाइम सोने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जगह रहने दे, इससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। वैसे भी पूरा सोती है दादी। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। आज गुड़िया है, नागपंचमी है, हम लोग गुड़िया कूटते हैं, मतलब लड़के लोग कूटते हैं, लड़कियां डालती हैं। मेरे बचपन में तो बहुत ही कुछ होता था, अभी बताएंगे बाद में। अभी फिलहाल अभी गुड़िया कूटने जा रहे हैं मोना और स्वयं, तो अभी वहाँ चलते हैं। तो चलो, हाँ तैयार हो गई, चलो। अरे उठ गई, मतलब सुबह हो गई। ये क्या हो रहा है, जुला दो जुला दो। चलो फिर इलेक्ट्रिक से जुलाती। म्यूजिक भी सुना दो गुड़ियों को। चलो भाई चलो। अभी मोना जा रही है गुड़िया डालने और स्वयं आया है गुड़िया कूटने के लिए। तो अभी उससे पहले क्या होता है कि गुड़ियों को घर में ही किसी झूले में झुलाया जाता है। तो अब पहले तो वो वाले झूले होते थे घर में पड़े हैं, उसमें मोटे रस्से से एकदम पट्टे वाले, अब क्या है, अब अभिषा के झूले में गुड़ियों को झुलाया गया है। तो चलते हैं अभी दिखाते हैं क्या हो रहा है। मोना झूला ली क्या? अभी तो बंदर झूल रहा है। नहीं जा रही हूँ गुड़िया कूटने के लिए। ओए 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 बाबू, ए लड़की, जाया जाता क्या मम्मी? बाय बाय। यही पे कूट लो ना, यही पे कूट लो ना। भाई मम्मी हो नहीं, नानी ने पैसे लिए थे, दिए थे मुझे, फिर मम्मी ने ले लिए। बनेंगी कचौड़ी क्योंकि आज रोटी नहीं बनती है, आज नागपंचमी है तो सिमई बन के रखी हुई है। और ये मेरे फेवरेट जो भी हमने खाए हैं, गेहूं और चने, सबसे ज्यादा टेस्ट। अभी सब लोग खाना खा चुके हैं और मेरे रूम की हालत ऐसी है, पूरा सब बिगड़ा बिगड़ा, इधर उधर सब फैला हुआ। और यहाँ पे कुछ पार्सल भी आके रखे हुए हैं तो इनको खोलेंगे थोड़ी देर में, पहले रूम सही कर लेते हैं क्योंकि ऐसे गंदा गंदा हमें पसंद नहीं है। अभिषा बगल में सो रही मम्मी के पास और वहाँ पे दादी भी है और मोना भी है और बेबी सो रही है, तो फिर
तब तक हम कर लेंगे अपने रूम को साफ, तो अच्छा लगेगा। तो चलो भाई रूम को साफ कर लेते हैं 2 मिनट में। मतलब ऐसे नहीं है, झाड़ू पोछा तो लगा ही है, लेकिन सब चीज़ें इधर उधर बिखरी है ना, तो सारी चीज़ें सही करके फिर अपने आप को सही करेंगे। उतना टाइम नहीं कर पाए थे, नहीं टाइम मिलता है यार, मतलब समझते होगे, नहीं टाइम मिलता है। तो बस चलो फिर, तो अब रूम हो गया है साफ, सारी चीज़ें सही कर दी है और बस हम भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये पार्सल खोलेंगे और यहीं चुपके से अकेले खोल लेंगे, वरना अगर इससे कोई बेकार चीज़ निकलती है ना तो मोना कहती ये मंगाया था बेकार निकला है, तो पहले देख लेंगे उसके बाद दिखाएंगे। मोना आइए देखो कितना बढ़िया है। तो ये चीज़ें होती हैं ऐसे, मोना ने कुछ मंगाया और अगर बेकार निकल गया, ये अरे ये तो बेकार था ही है ना देखने में। हम हो गए हैं ठीक, लेकिन मेरा बाबू आ गया है यहाँ पे, और अब छोटा बच्चा है कितनी देर सोएगा, 1 घंटा हमको लगा होगा कुछ यही सब में, और 1 घंटे उसकी नींद हो गई। 1 घंटा क्या, हाँ जब हम लोग खाना खा रहे थे तब से सो रही है, तो 1-1.5 घंटे में उठ गई, इससे ज़्यादा क्या ही सोएगी दिन में। तो बस यही चलता रहता है, जब हम रूम साफ किए अपने आप को तैयार किए जब तक वो जग गई, अभी उसको फीड कराएंगे, उसके बाद फिर मेरा दूसरा काम होगा। तो अभी मोना ही पार्सल खोलने जा रही है, क्योंकि मोना आ गई थी यहाँ पे, सारे पार्सल रखे हुए थे। और ये आवाज इसको पसंद नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, कान नोचने लगेगी अभी। कैची से काट दो यार। खोलो खोलो खोलो, इसमें क्या है, अविशा के हेयर बैंड, तीन ही थे यार अविशा के हेयर बैंड। देखो क्वालिटी कैसी है ना, सही हो तो बताना। वाला कपड़ा है वो, ये हैं बाबू के कपड़े, अविशा के कपड़े। यही टोपी तो मुझे चाहिए थी। बचपन में हम लोग इसी लगाते थे ना। इसी टोपी बड़े में चाहिए। कॉटन है क्या? कॉटन तो है लेकिन बड़ी है। कॉटन है तो बस सही है। सॉरी था, ये मैं बुलवा दे रही थी, हमें याद था कि बेटा तुम्हारे नाखून काटने। बुलवाए दे रही थी जिसमें कल तो कट नहीं पाएंगे, सैटरडे। उसने बोल के बोला होगा ना, बुलवाए दे रही है। हाथ पैर इधर उधर पटकती हैं, अपने मुंह में डालती हैं। लेकिन अभी मम्मी और मोना गई हैं बाबू को नहलाने, और हम जा रहे हैं फिर से कपड़े चेंज करने, क्योंकि हमें पता नहीं थोड़ी देर रुक के फिर पता नहीं कैसा कैसा लगने लगता है। पहले क्या होता था, मतलब सुबह जैसे हैं वैसे ही शाम तक बने रहते थे प्रेगनेंसी टाइम में भी, अब क्या है कि एकदम पूरा जैसे चोटी है, चोटी बिगाड़ के बन बना लिया, और उसके बाद ऐसे लेट गए, फिर ऐसे बाल हो गए, और मेकअप पता नहीं कहाँ चला गया, मेकअप तो करते ही नहीं, खैर हल्की सी लिपस्टिक है पता नहीं कहाँ चली गई, तो फिर होलिया ऐसा हो गया। तो अब हम जा रहे हैं चेंज करने, और समझ में आएगा तो चेंज करेंगे। वैसे मेरा मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुँह हाथ धो के फिर कपड़े चेंज कर लें। तो अभी देखो, अभी तो बाबू को नहलाया जाएगा, उसके बाद उनके ही कपड़े चेंज कराएं, फिर हम भी अपना थोड़ा सा ठीक करें। अब शाम का खाना बनना है, तो हम मार रहे हैं आटा, क्योंकि पूड़ी बनेगी, रोटी बनेगी नहीं, बार बार सेम चीज पता नहीं क्यों बता रहे हैं, और हम ऐसे तब से गंदे घूम रहे हैं, हमने कुछ अपने आप को कुछ भी नहीं किया। पहले हम सोच रहे थे कपड़े अपने चेंज कर लेंगे, चेहरा थोड़ा ठीक कर लेंगे, लेकिन हम तब से हमें टाइम ही नहीं मिला है, बताओ ये होता है। अभी बेबी का फोटोशूट करने लगे थे 3 मंथ वाला, तो उसी में फिर देर हो गई, तो ऐसे ही तब से घूम रहे हैं। हमने कहा क्या खाना वाना खाना है, सोना है, बस। तो अब हो गई है रात, और रात में बन गई है पूड़ी, और हम लोग पूड़ी खाने जा रहे हैं। हम तो पनीर की सब्जी अगले दिन की रखी है, वो खाएंगे पिछले दिन की।
और बाकी जो कल बनेगी वो रखी पिछले दिन की रखी है पनीर की सब्जी और पूड़ी हम खाएंगे, कुछ लोग कचौड़ी खाएंगे और कुछ लोग अपना अचार वगैरह ये सारी चीज़ें खाएंगे, कुछ लोग आलू की सब्जी रखी है वो खाएंगे। तो बस अच्छा जो भी ऑप्शन है वो बता दिए। तो बस और क्या हो रहा है, सब लोग खाना ही अपना खा रहे हैं। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक चीज़ और है, बेबी का नाइट रूटीन सब लोग बोल रहे थे कि शेयर करो, तो नाइट रूटीन में क्या शेयर करें, फिर अगले ही दिन बात करेंगे, अगर कुछ होगा शेयर करने लायक तो फिर हम करेंगे। फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।